हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोने, यू बोचो ऑटो एक्सपर्ट इंडिया। वही सामने हमारी गाड़ी देख रही है, न्यू चमचमाते हुई अल्टो K10। अब ये बीच में बंद कर दी गई थी, बट अभी फिर से ये इंट्रोड्यूस की गई है 2022 में, और एक नया वेरिएंट है। और ये वाला जो पर्टिकुलर आप वेरिएंट सामने देख रहे हो, ये LXi है, मतलब जो बेस मॉडल है स्टैंडर्ड, उसके ऊपर जो आता है LXi, तो ये LXi वेरिएंट है। और हम आए हुए हैं किरण मोटर छानी में बड़ोदरा। तो अगर आपको इस व्हीकल के बारे में या मारुति के कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा सपोज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अल्टो LXi से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको इस तरह से आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलने वाली कंप्लीट, जैसे कि आपको इस तरह से हेडलैम्प मिल जाएंगे। अब लुक्स काफ़ी चेंज किए गए हैं, मतलब ये जो पुरानी एक एस्टर करके आती थी उससे काफ़ी सिमिलर मैच खाता है इसकी प्रोफाइल। इसकी थोड़ी डायमेंशन हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, बट ओवरऑल गाड़ी की जो हाइट है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, तो वो हम साइड प्रोफाइल पे जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है आपको इस तरह से, बीच में मारुति का लोगो बड़ा सा। ये प्रोफाइल जब आप देखते हो ना, तो एक हुंडई की जो एंट्री लेवल गाड़ी है उसकी याद आने वाली है, सेंट्रो की। ये बिल्कुल सेम प्रोफाइल इस तरह से है, तो मतलब मिक्स मैच किया गया है, तो उसमें इस तरह से कहा कि, लेकिन प्रोफाइल जो निकल के आती है काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। वो सर आपको यहाँ पे बोनट पे मिल जाता है, दो वाइपर मिल जाते हैं। मारुति में एक चीज़ अच्छी है जो एंट्री लेवल कार से ही, मतलब यहाँ पे कोच कटिंग इतने ज़्यादा नहीं करते हैं। नॉर्मली गाड़ियाँ कैसी होती है एंट्री लेवल पे, कुछ कंपनीज की सिंगल वाइपर प्रोवाइड करती हैं, बट यहाँ पे आपको दो मिलने वाले हैं। क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक, मतलब अच्छी मिल जाती है प्राइस के हिसाब से। बम्पर इस तरह से है, बॉडी कलर भी सब कुछ रहने वाला है, कोई भी मतलब ब्लैक पार्ट वैसा कुछ नहीं है। इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल मिलने वाली है। अभी LXi तो यहाँ पे आपको हाईलाइट मिलेंगे, मतलब ORBM से, और डोर हैंडल आपको ब्लैक डोर मिलेंगे जो कि इस तरह से रहने वाला है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे फेंडर पे मिलेगा। और टायर की बात करें तो टायर की जो प्रोफाइल है 140/80 R13 13 इंच के सिंपल स्टील व्हील मिलेंगे, जिसमें कोई भी आपको कवर वगैरह नहीं दिया जाएगा। हालांकि जब इसके ऊपर के वेरिएंट पे जाओगे तो आपको कवर वगैरह दे जाते हैं। नॉर्मल की मिलेगी इसकी, कोई भी रिमोट की वगैरह नहीं आएगा। अब यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देखिए, साइड प्रोफाइल से आपको ये अल्टो नहीं लग रही है, क्योंकि अल्टो में कैसा था, यहाँ से स्ट्रेट जाता था, बट यहाँ पे थोड़ा उठाया गया है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है इसको थोड़ा टॉल बॉय डिजाइन दिया गया है, जिसकी वजह से अभी लुक काफ़ी अच्छा, मतलब पहले से हो गया है। बट ये एक पर्सनल चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, तो उसके लिए उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, पहले जितना ही है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 27 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। अब ये पेट्रोल वर्जन है, तो आपको 27 लीटर का पेट्रोल का मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी एंटीना वगैरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर वगैरह ऑफ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एंटीना का प्रोविज़न भी नहीं दिया है। एंटीना का प्रोविज़न आपको VXi से मिलता है, LXi से नहीं मिलेगा। बैक प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह से बैक प्रोफाइल है। अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इस तरह से दिखा सकता हूँ, इस तरह से टेल लाइट्स है। अल्टो K10 की बैच यहाँ पे मिल जाएगी, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है इस तरह से, तो आप देख सकते हो। तो हम इसको ओपन करते हैं पहले इसके बूट को। की की बात करें तो की कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है, नॉर्मल की है, दोनों ही सिंगल सिंपल की मिलने वाली है। इसको हम ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ ओपन होता है, तो ये बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। हालांकि थोड़ा डीप है, और 214 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर आप CNG किट फिटिंग कराओगे तो ये बूट स्पेस भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सीट मिल जाती है अब, हालांकि इतना ज़्यादा तो क्या ही उम्मीद करोगे, अल्टो है तो उस हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफ़ी जस्टिफाई करता है। और बीच में मारुति का लोगो मिल जाता है, स्टॉप लैंप मिल जाती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। और चलते हैं इसके इंटीरियर में, चेकआउट करते हैं इंटीरियर। हालांकि इंटीरियर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल देखते हैं। फ्रंट का डोर ट्रिम आपको इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे डोर रोलिंग डाउन वाले सिस्टम मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पीकर कुछ भी नहीं आता है इसमें, ना ही आपको आएगा कोई म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ खाली मिलता है, तो बिल्कुल सिंपल क्लीन लेआउट है, कोई भी ज़्यादा वैसा बिजी है नहीं। यहाँ पे रोलिंग डाउन वगैरह भी मिल जाता है, वाटर होल्डर मिल जाता है, हैंडल इस तरह से MID मिल जाती है। बट एक चीज़ अच्छी है इसमें, आपको AC हीटर वो सब का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। ये AC का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और मैनुअल AC है ये वाला है, जो पुराना वाला है जो वही, और ये मैनुअल है।
आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो पकड़ के। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं आएंगे, नॉर्मल वही अल्टो वाला पुराना वाला स्टीयरिंग है। इस तरह से फील आने वाला है और इस तरह से आपको कुछ इसकी MID दिखने वाली है, जिसको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया गया और स्टीयरिंग वो फिक्स मिलता है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आपको वाइपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ ये डमी है। हालांकि आप जब CNC फिटिंग कराओगे तो उसके हिसाब से आप कुछ कर सकते हो। ये एयरबैग मिल जाते हैं। एक चीज़ अच्छी हो गई है, क्योंकि मारुति में कोई भी गाड़ी लेते हो अभी, कोई मारुति में का इवन कोई भी ब्रांड के साथ में कुछ जाते हो तो आपको 2 एयरबैग कंपलसरी मिलते हैं, मतलब बेस वेरियंट से। ये काफ़ी सही चीज़ है। हेलमेट का बटन मिल जाता है, यहाँ पे इमरजेंसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, तो ग्लव बॉक्स। फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करें तो ऑल्टो के हिसाब से काफ़ी सही है, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन AC बहुत का मतलब अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा रिफाइन काम करता है डेफिनेटली। 5-speed गेयर बॉक्स के साथ में यहाँ पर आता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिए हैं चार्जिंग वगैरह के। यहाँ पर थोड़ा स्पेस 2 कप होल्डर के और सीटिंग। भाई सीटिंग देखा जाए तो पहले से एक जैसा था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उसके बावजूद भी ठीक है, मतलब ये है। तो इस तरह से ओवरऑल आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें, तो उम्मीद मत रखना कि इतना कुछ हाई मिलने वाला है। और चलिए हम बैक की प्रोफाइल सीट पे चलते हैं, उसके बाद चेकआउट करते हैं इसकी प्राइस और डिटेल। बिल्ड की बात करें तो बिल्ड में कुछ ज़्यादा खास बोलने को है नहीं, तो ठीक है, मतलब जो प्राइस है उसको जस्टिफाई करता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और सेम यहाँ पे भी रोलिंग डाउन का ऑप्शन वो मिलता है, लीवर मिलता है और इस तरह से आपको सीट मिल जाती है। बेंच फोल्ड है, छोटी सी है, मतलब जैसा फील होता है, लेकिन हालांकि पहले से कंपैरिजन में काफ़ी टॉल कर दी, तो लंबे पैसेंजर यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है और इस तरह से आपको गाड़ी का लुक आउट रहने वाला है। तो गाड़ी अंदर से देखने पर थोड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी है, तो इसकी वजह से काफ़ी ठीक लग रहा है। सीट बेल्ट मिल जाते हैं और इस तरह से सीट, इसमें कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा हेडरेस्ट वगैरह का, तो इस तरह से ओवरऑल मिलने वाला। कोई भी स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम कुछ भी नहीं आएगा, सब आपको आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल रहने वाली अल्टो K10 LXi। अब प्राइस की बात करें तो इसमें 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, स्टैंडर्ड, LXi, VXi, VXi प्लस और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में ही अवेलेबल है, तो किसी में भी आप देख सकते हो। सबसे बात करें इंजन ऑप्शन की, तो इंजन इसमें अभी 1 लीटर का दिया गया है। पहले इसमें 800 CC का इंजन आता था, और अभी 1000 CC का इंजन प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको लगभग 65 HP की पावर, 89 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी सही पावर के मामले में काफ़ी ठीक हो गई है। पहले के कंपेरिजन में जो 800 CC का इंजन था उससे तो काफ़ी अच्छा है, और माइलेज भी काफ़ी अच्छा पेट्रोल में क्लेम करती है 24 का, तो ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है। छोटी गाड़ी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी की नहीं है, तो मेरे हिसाब से 24 का माइलेज देती है, बहुत सही ऑप्शन हो जाता है फैमिली गाड़ी के लिए, छोटी एंट्री लेवल के लिए, तो बहुत सही ऑप्शन है। और अगर प्राइस की बात करें तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 481,948 रुपये है, और ओनर की बात करें लगभग 5.25 लाख में आपको पड़ जाएगा अल्टो LXi। अब मेरे हिसाब से प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है डेफिनेटली, 5.5 लाख रुपये में ये अल्टो, और वो भी बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना कोई मतलब फीचर्स, कुछ ज़्यादा खास फीचर्स आपको मिलते नहीं है, तो उस हिसाब से हालांकि प्रोडक्ट अच्छा है। अब प्राइजिंग किस सेंस से, मतलब मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ तो प्राइजिंग मुझे समझ में नहीं आई अल्टो की, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है। और देखा जाए तो एंट्री लेवल में सबसे वेस्ट गाड़ी है ये, और इसके अलावा कोई इसको कोई भी अभी कम्पीट नहीं कर पाया, तो उस हिसाब से आप लेकिन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रिलायबल गाड़ी है, इंजन बहुत अच्छा है, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन फ्यूचर, बट प्राइजिंग थोड़ी अभी हाई है तो देखना पड़ेगा। और अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि अभी गाड़ियों की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लेनी है तो चेकआउट कर लीजिए, बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त, बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।